अब हमने क्या किया था, जीन ऑर्डर निकाल लिया था। जीन ऑर्डर क्या है हमारे पास, ए सी बी, तो ये जीन ऑर्डर है उसका, तो उसी टाइप से लिख लेंगे पेरेंटल को, ठीक है। और ये क्या था उसका, डबल क्रॉसओवर, क्योंकि यहाँ पे दो क्रॉसओवर हो रही थी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कैसे ये चीज होती है कि ए और बी का क्रॉसओवर किसके ओवर है और बी और सी का किसके ओवर है, या फिर ए और सी का किसके साथ क्रॉसओवर। तो हम चेक कैसे करेंगे, फर्स्टली हमारे पास क्या चीज ये है कि ए कैपिटल है और बी स्मॉल है, सी कैपिटल है। ए कैपिटल इसमें है, बी स्मॉल इसमें, और सी कैपिटल इसमें है। तो ये चीज हो गई एक, तो हमारे पास ये तो नहीं बन रहा। या फिर हम नीचे वाला देख लें, ए बी और सी, चलो हम बना के देख लेते हैं पहले। अगर सपोज करो ए क्रॉस सी है तो क्या बनेगा, पहले ए फिर स्मॉल सी, ए स्मॉल सी एंड स्मॉल बी, ये चीज बनेगी। पहले ये देखते हैं हमें मिल रहा है कहीं पे, ये चीज आ गई हमारे पास, ए स्मॉल है बी सी कैपिटल है, ए कैपिटल है और बी सी स्मॉल है, तो मतलब ये वाला क्रॉस ओवर क्या है, बिटवीन ए एंड सी। क्लियर हुआ इतना, ये वाला क्रॉस ओवर। अब सेकंड देख लेते हैं, इट मींस ये बी और सी के बीच ही होगा, चलो तो हम देखते हैं एक बार। पहले ए फिर सी, फिर क्या आ जाएगा बी, नेक्स्ट में ए सी, फिर क्या आ जाएगा बी, ये चीज है हमारे पास ए, हाँ उसके बाद क्या है स्मॉल जो है बी है, फिर सी है, ए कैपिटल बी और सी, तो इट मीन्स ये क्रॉसओवर किसके बीच हुआ, बी और सी। अब हमें पता करना था मैप यूनिट, ऑर्डर तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, अपने हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, जीन्स के बीच में क्या क्या डिस्टेंस है सारे, मतलब ए और बी के बीच में क्या है, बी और सी के, ऑर्डर तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑर्डर क्या है, ए है फिर सी। अब हमने क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ए और सी के बीच में अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं ए और सी के बीच, ये चीज है 81 प्लस 85 प्लस क्या करते हैं इसमें जो डबल क्रॉस ओवर है इसको हम प्लस करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी जीरो ऑर्डर निकालने में हेल्प कर रहे हैं, बीच में प्लस होगा ही होगा, 8 प्लस 5, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 1000 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी देखते हैं क्या होगा, 85 90 और ये भी 90, 180 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया 118 सेंटी मॉर्कन, इसका तो निकल गया ये ए इंटू सी का, जो मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये आ गया 18 सी एम। अब हमें किसके बीच के निकालना है, बी और सी, ये वाला बी और सी के बीच का फाइंड आउट करना है। अब हमें कैसे निकालेंगे, ये कितना है 27 प्लस 30 प्लस जो डबल क्रॉस होगा वो तो होगा ही होगा, 8 प्लस 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कैसे आएगा, 30 प्लस 30 60 70 हो गया, ये 70 बाय 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 7 सी एम। तो हमें क्या है जीन ऑर्डर भी पता चल गया और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो भी पता चल गया। अब हम देख लेते हैं इंटरफेरेंस क्या होती है। अब ये नहीं है कि क्रॉसओवर जब हुआ कि बस बनते जा रहे हैं, जब क्या हुआ एक क्रॉसओवर बन गया हमारे पास, सपोज करो ये इसके बीच में क्रॉसओवर हो गया, तो ये क्या करते हैं दूसरे क्रॉसओवर बनने की उसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो कम कर देते हैं। एक क्रॉसओवर जब हमें हमारे पास बन गया है तो वो दूसरे काइमेज़ा बनने की मतलब और रिकॉम्बिनेंट बने उसकी कैपेसिटी को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरफेरेंस, कि वो क्या कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे ए क्रॉस बी बन चुके हैं तो वो क्या करेगा बी क्रॉस सी जो बनेंगे कॉम्बिनेंट्स उसको क्या करेगा इंटरफेयर करेगा, मतलब बनने नहीं देगा, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और जो इंटरफेरेंस है मतलब ये नहीं है हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगी कि हाँ ये बन गए हैं तो उसका मतलब उसे बनने ही नहीं देगी, इंटरफेरेंस क्या है वेरी करेगी, उस वेरी को हम कैसे मतलब मेजर कैसे करेंगे उस वेरिएशन को, वो करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ
सी डेल से करेंगे, ठीक है, उसको मेजर। इसका क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या है, जो ऑब्जॉर्ब होते हैं हमारे पास डबल क्रॉस ओवर बनते हैं ओवर जो क्या है एक्सपेक्टेड है, मतलब हमने ऑब्जर्व कितने किए डबल क्रॉस ओवर जो बन रहे हैं और एक्सपेक्टेड कितने हैं। ठीक है, और अगर हमें पता करना हो जो है क्या एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर है उसे हम कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस ओवर इन वन प्रोजनी, ठीक है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी एक प्रोजनी में आने की क्रॉस ओवर की, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस ओवर इन सेकेंड प्रोजनी फ्रीक्वेंसी क्या है इंटू जो हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, इससे हम क्या है एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर निकाल सकते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला है, इनके बीच में क्या रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस में, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस प्लस इंटरफेरेंस इक्वल टू वन, ठीक है। अगर तो हमारे पास क्या है इंटरफेरेंस सॉरी कोफिशिएंट है जो मतलब वो क्या है जीरो है, तो मतलब वहां पे क्या है इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये क्या हो जाएगा मतलब वन हो जाएगा इक्वल टू वन, तो इंटरफेरेंस वहां पे बहुत ज्यादा। अगर कोफिशिएंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास वन है तो क्या ये जीरो हो जाएगा, तो इट मींस इंटरफेरेंस वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत सारे क्रॉस ओवर्स बनते जाएंगे। अगर ये क्या है पार्शियल है मतलब सपोज करो 0.2 है या कुछ ऐसी है वेरिएबल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता रहेगा, ठीक है, मतलब अगर ये पार्शियल होगा तो कुछ बनने देगा, सपोज करो यहाँ पे 2.2 है तो यहाँ पे 0.8 होगा, मतलब कुछ इन जो क्रॉस ओवर है वो बनते जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या है 0.4 है तो कुछ यहाँ पे कम क्रॉस ओवर बनेंगे एज कम्पेयर टू दिस। तो ये चीज क्लियर हुई कि इंटरफेरेंस क्या है, जब क्या है कोई जो एक क्रॉस ओवर दूसरे क्रॉस ओवर को ना बनने दे, ठीक है, वो भी इंटरफेरेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या था, इंटरफेरेंस ऐड करते थे तो वन था, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जीरो है तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी, अगर ये वन है तो इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज की अभी तक हमने और क्या किया था, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर की जो रेशियो देखी थी वो कैसे होगी कि जो प्रोजनी है जो वन में कैसे बन रहे क्रॉस ओवर सेकेंड में कैसे बन रहे हैं और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी है, ये किया अभी तक, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसके टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी क्या है 1000 है, ठीक है। अब क्या है हमें जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है, जीन ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेरेंटल थी ये वाली और जो डबल क्रॉस ओवर से आया इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला बी है जो कैपिटल है ये वाला सी है जो क्या है स्मॉल है, ये चीज तो वैसे ही है, मतलब डिफरेंस किसका है ए का, ये चीज है ना हमारे पास, इट मींस क्या होगा जो ए है वो क्या होगा सेंटर में होगा, इसे लिख सकते हैं ऐसे जो पेरेंटल है, तो ये हो गया हमारे पास जीन ऑर्डर बी ए सी, इस साइड स्मॉल बी स्मॉल ए और कैपिटल सी। अब हम देख लेते हैं कि जो ए क्रॉस बी कौन सा होगा और ए क्रॉस सी कौन सा होगा इनमें से, अब हम इनके बीच क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, पहले कर लेते हैं बी क्रॉस ए,
देखते हैं बी क्रॉस ए से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। पहले कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए, कैपिटल सी, ये आ गया मेरे पास। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारे पास बचे, कौन ये दोनों बचे हैं। अब देखो कैपिटल बी कहाँ पे है, ये रे स्मॉल ए है और सी है, मतलब ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक है, सेकंड ये आएगा, इसके ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, बी ए और स्मॉल सी, ये चीज आ गई। अब हमने क्या देखना है कि ए क्रॉस सी कौन सा है। ए क्रॉस सी के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को देखेंगे, जैसे हमने पहले बी क्रॉस ए कराया, आप क्या करवाएंगे, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी से हमारे पास क्या आएगा, पहले बी एज इट इज कैपिटल, ए एज इट इज कैपिटल और सी भी कैपिटल। इस चीज को हम देख लेंगे कहाँ पे है, ये ए बी सी तीनों कैपिटल है, मतलब सेकेंड वाला यही होगा ऑब्वियसली, है तो क्या आ गई ये ए क्रॉस सी। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, अब हमने सिर्फ क्या करना है, जीन ऑर्डर निकल चुका है, सिर्फ मैप डिस्टेंस निकालना है। अब हम देखेंगे वो कैसे निकलेगा। देखो तो हमारे पास ए क्रॉस बी ये है, डिस्टेंस निकालना है ए बिटवीन बी जीन, जीन ऑर्डर क्या आया था बी ए सी, मतलब हम पहले ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए लगा लो चाहे ए क्रॉस बी, एक ही बात है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इसके बन रहे हैं ये वाले, प्लस डबल क्रॉस ओवर सब में ऐड करना है, 6 प्लस 9 9, और टोटल कितनी हमारे पास 1000 × 100 करेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हम, 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, 100 ÷ 10 = 10 cm, तो इसका डिस्टेंस मतलब ये हमारे पे कितना हो गया 10 cm, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं ए क्रॉस सी पे। अब जो ए क्रॉस सी है हमारे पास, उसके क्या हमें नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, जो ऑब्जॉर्व किया है 140 + 145, प्लस कर देंगे 6 को + 9 को, 1000 × 100 ये कट हो जाएगा। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, ये 15 हो गया, 15 और ये 5 इसमें ऐड करते हैं, 150 150, कितना हो गया 300 / 10, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया 30 cm। ये डिस्टेंस किसके बीच में, ए और सी के बीच। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है, जो जीन ऑर्डर है वो क्या है, बी ए सी है, ठीक है, और डिस्टेंस इसमें 10 cm है और इसमें 30 cm है। और अगर हमसे कोई इसका डिस्टेंस पूछे बी और सी का, तो कितना आ जाएगा, 40 cm। क्लियर हुआ इतना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।